नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। खिकड़ी न्यूज में आपका स्वागत है। वही नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अपनी जमीन के कब्जे से नाराज एक बुजुर्ग महिला डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। बता दें कि महिला का आरोप है कि बीजेपी विधायक के बेटे ने उसके खेत की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, साथ ही अवैध निर्माण भी करा लिया है। वही महिला ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी जमीन कब्जा मुक्त नहीं हुई तो वह लखनऊ में जाकर आत्मदाह कर लेगी। फिलहाल इस मामले में अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए। पूरा मामला थाना पुवाई क्षेत्र के गुथनी गांव का बताया जा रहा है। अरे हम आज 2 महीने से करीबन दौड़े दौड़े घूमत लगाई थी, जहाँ कुल उस समय और लखनऊ तक हमारो कबई अभी देखो कोई ने सुनिया ना। क्या क्या मामला क्या है? हमारा खेत पर विधायक के लड़कन नीरजन और नीरज के सारे कब्जा कर लो और 9 इंची की दीवार बनवाई रही। जले हम यहाँ कार्रवाई करते रहे सरिजापुर में दौड़े धोके और हमार नखलऊ गए तो हम हमारी सुनी ना और हमारा खेत अब कब्जा कर दो और अब देखना था। और हमन से हमें कही कि बुढ़िया का नीरज के सारे ने कही कि चाहे 10 लाख रुपया लग जाए बुढ़िया की जमीन ना छड़े। कौन है नीरज? नीरज विधायक लड़का। कौन विधायक? ये चैतराम। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी ने कोई नहीं सुनिए ना आज तक, तुम फिर दोहरा के धरना लगाओ आए। अगर आपको आपकी जमीन नहीं मिलती तो क्या कुछ करेंगे आप? हम कर ही काम जही फिर निकलो कहूँ ने मुख्यमंत्री के पास जाए के आगे लगाई नहीं अपने शरीर। रामचरित मानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। वही शाहजहांपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने धर्म विरोधियों के खिलाफ डीएम कार्यालय के सामने पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। बताते चले कि बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जिले में दाखिल हुए तो उनको अपमानित करके चौराहे पर घुमाया जाएगा। आज हम सनातन जो धर्म को मानने वाले हैं, हमारे पूर्वज सनातन धर्मी थे। सर्वप्रथम सबसे पहले कोई अगर धर्म इस धरती पे आया तो सनातन धर्म आया, पूरा विश्व सनातन धर्मी था। आज कुछ ऐसे कहेंगे जिनके जिन्होंने अपने बापों को बदल लिया, दल्ले हो गए। धर्म को बचाने का काम करना चाहिए था, उन्हें धर्म को नहीं बचाया और डर के कारण इस्लाम कबूल किया, कोई ईसाई बन गया। ऐसे निकम्मे हमारे धर्म को आज चुनौती दे रहे हैं। बागेश्वर धाम में बाबा जी कृष्ण जो शास्त्री जी महाराज आज हनुमान जी की महिमा का बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो व्यक्ति चाहे प्रैक्टिकल करना 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करे, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो सच्चे मन से करे तो आप हमसे पहले सबसे मिलना बागेश्वर धाम, तो बाद में जाना। सनातन धर्म को चुनौती देने वालों सोच लो समझ लो कि अब ये हिंदू समाज वो समाज नहीं रहा है। हमने कभी सबकी चुनौतियां सदैव स्वीकार की थी, आज भी स्वीकार कर रहा हूँ। धर्म के खिलाफ उठने वाली अंगुले, धर्म के खिलाफ बोलने वाली जिब्बा इस धरती पर नहीं रहेगी, उसको काटने का काम किया जाएगा। बागेश्वर धाम नहीं, आप हनुमान जी के मंदिर में आ जाइए, चालीसा करिए, आप धर्म स्वयं बदल लोगे। आपके पूर्वज आज से 20 पीढ़ियों पूर्व अगर देख लीजिए तो आपके पूर्वज रामशंकर उमाशंकर जगदीश ही आज निकलेंगे, कहीं भी बाहर से नहीं आए हो, इसी मूल धर्म से निकले हो आप। खबर कानपुर देहात से है, जहां केटीएल एजेंसी के कर्मचारियों पर ठगी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि वाहन स्वामी से बीमा का रुपये जमा कराने के बाद एजेंट ने वाहन का बीमा नहीं दिया, जिसके बाद पीड़ित वाहन स्वामी को धमकाकर एजेंसी से बाहर कर दिया गया। वहीं पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अकबरपुर क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार ने पीड़ित को कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिलाया है। वहीं पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के केटीएल प्राइवेट लिमिटेड मारुति एजेंसी का बताया जा रहा है। एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि हमने केटीएल शोरूम गए हुए थे और 22 तारीख को हमने पैसा जमा किया अपना और हमारा इंश्योरेंस नहीं किया उन लोगों ने। क्या कह रहे हैं? कह रहे थे हम इंश्योरेंस अब नहीं हो पाएगा, आपको जो भी करना है वो आप कर लीजिए। इंश्योरेंस कर्मचारी को कितने रुपए दिए थे आपने? हमने 7450 रुपये उसको दिए। यहाँ पुलिस ऑफिस में किससे मुलाकात हुई आपकी? हमारी सीओ साहब से हुई। क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब ने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि केटीएल शोरूम के कर्मचारी हमारा इंश्योरेंस कर करके दें।
खबर प्रयागराज से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने हंडिया ब्लॉक और गौशाला का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है घर घर पर जल योजना, जनता तक पहुंचाने का कार्य सरकार द्वारा पूरा कराया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही गौशाला की बाउंड्री व गौशाला संबंधित निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे गायों को सुरक्षित रखा जा सके और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। किसी भी प्रकार के निर्माण में अनियमितता मिली तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षमता वृद्धि का एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। 31 मार्च तक हम लोग का प्रयास है कि जनपद में जितने छोटा गोवंश है सभी को हम लोग संरक्षित कर लें। उसी क्रम में हम लोग अतिरिक्त शेड बनाने का कार्रवाई शुरू कर रखे हैं। ये गौशाला पे अभी हम चाहते हैं कि इसकी बाउंड्री वॉल के कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए ताकि गोवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जल निगम पे आप गए थे, हाँ, उसमें कुछ खामी या कोई? जल निगम अभी पूरे प्रदेश में ही जल जीवन मिशन अंतर्गत हर एक घर को जल से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। ओवरहेड टैंक का कंप्लीट हो पाया गया, वहाँ पे हाउस कनेक्शंस के भी कार्य चल ही रहे थे, तो उसको जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जाएगा। इसमें मूल सरकार का प्रयास है कि गाँव ग्रामवासियों में पेयजल परियोजनाओं के बारे में एक तो स्वामित्व का भाव रहे, क्योंकि कल को जाकर के इन्हीं ग्रामवासियों के जो अंशदान रहेगा, अरे घर 50-50 रुपए देंगे तो उसी से इस परियोजना का देख रेख किया जाना है, तो वो एक कल्चर भी लाना है। आयुक्त के निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिक्रमण निरीक्षक ने कचहरी फल मंडी को व्यवस्थित करते हुए जेपी मेहता मार्ग से अवैध अतिक्रमण को हटवाया है। बता दें कि अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों का अतिक्रमित सामान भी जब्त कर लिया गया है। वही खबर आगरा से है, जो अग्रवाल महासभा की नई कार्यकारिणी का गठन 12 साल बाद संपन्न हुआ। अग्रवाल महासभा की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया है। जम्मू के अतिथि के रूप में पूर्व विधायक महेश गोयल, अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, महामंत्री विष्णु गोयल, कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वही समारोह में आगामी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया गया कि मार्च माह में होली मिलन समारोह काफी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। 34 लोग हमारी कार्यकारिणी जो 96 में रजिस्टर थी वो 40 पद थे उसमें, और उसमें से करीब 34 भरे जा चुके हैं। कुछ रिक्त हैं, सदस्यता बढ़ने पर और उनको निर्वाचन उनका भी पूरा हो जाए। मुझे अग्रवाल लोकसभा का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में खाता बंद था, वो आज हमारा खाता चालू हो गया है और उसमें समाज का बैलेंस पड़ा हुआ है। अब आगे समाज को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह का कार्य करेंगे? इसके लिए हमको ये करना है, हमको सब अग्रवाल भाइयों को जोड़ना है, हमको किसी से कोई तरह की रिलेशनवार किसी से नहीं रखनी है, और जो भी भाई हमसे मतलब गलत तरीके से रहता है या ना कुछ रहता है तो उसको भी हमको मनाना है, और अग्रवाल महासभा को हम एक बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, जो उसका नाम पहले यूपी में था वो नाम आज दोबारा से सब मिलके पूरा अग्रवाल समाज मिलके इसको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाए, ये मेरी काम है। इस चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले हम सब लोगों ने 5-6 आदमी की टीम बनाई, उसका मैं संयोजक बना और हम यहाँ तक हम पहुँच पाए। अभी हमने जो शपथ ली है कल सब लोगों ने, 28 मेंबरों ने, 34 मेंबरों ने, उसमें हमने कुछ बेस बनाए हैं, समितियाँ बनाई हैं, एक समिति बनाई है हमने संविधान संशोधन समिति, वो हमारे जो भी कुछ कमियाँ हैं संविधान में उसको संशोधन करके और रिपी रिस्टार्ट तक पहुँचाएगी, उसको रिस्टार्ट कराएगी। एक समिति बनाई है हमने सदस्यता संवर्धन समिति, जो हमारे सदस्य 2900 हैं उनको हम फिर ऑन रोल लाएंगे और रोल ला करके उनको भी हम अपने जैसे कि जो पुराने मेंबर हैं उनको भी नया मानते हुए उनके। खबर आगरा से है, जो प्रीलिट पब्लिक स्कूल के संस्थापक निशा संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सुशील गुप्ता और लायंस क्लब ने मिलकर ई वेस्ट के खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत 13 फरवरी तक एक अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में 23 जनवरी को प्रीलूज पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के द्वारा घर में रखी वेस्ट मटेरियल को स्कूल में लाने को कहा गया है। स्कूल में आए सारे मटेरियल स्टोर कर लायंस क्लब को दे दिया गया है। बता दें कि लायंस क्लब और निशा संस्था ने 14 फरवरी तक 4 टन ई वेस्ट इकट्ठा कर दिल्ली में स्थित ई वेस्ट डैमेज संस्था को भेजने का जिम्मा उठाया है।
ई वेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हमने कैंपेनिंग शुरू की है और हमारे 2,80,000 करीब लाइन्स मेंबर्स और पूरे हिंदुस्तान के स्कूल डीसा जो उनकी एसोसिएशन है वो हमारे साथ एसोसिएट हुई है और आज उसी के तहत आपने देखा था कुछ दिन पहले और सेट पब्लिक स्कूल का कार्यक्रम था जो हमारा पिलूट स्कूल में है। मुझे लगता है डॉक्टर स्वाति माथुर यहाँ हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और ये ई वेस्ट ऐसा था जिसकी तरफ किसी निगाह नहीं थी और आपने देखा होगा आज जिस तरह से कलेक्शन हुआ है, ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो 10 साल से किसी घर में रखे हुए हैं, हम सबके घरों में चार्जर है, टेलीफोन है, टीवी है, जो खराब हो गए हैं, जो ठीक भी नहीं हो सकते हैं और जो कभी चलने भी नहीं है और ऐसी ऐसी चीज़ें समाज को और हमारे प्रकृति को देकर चली जाती है जिससे नुकसान होता है, तो इन सबसे बचाने के लिए हमने हिंदुस्तान ई वेस्ट से टाइप किया है, वो उसको रिसाइकिल करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कचरा हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही भयावह होता जा रहा है और ये जहाँ तहाँ घरों में, दुकानों में, संस्थाओं में, विभागों में पड़ा हुआ है और ये निशा संस्था, लायंस क्लब और ये आज जिस संस्था में खड़े हैं प्रीलूड, ये लोग मिलके इस कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के माध्यम से और तमाम प्रयासों से और निस्तारण के लिए ये कंपनी निश्चित है उसके पास ही भेजा जाएगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ई कचरा जो उनके आस पास उनके घरों में पड़े हों वो इन संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किए गए कलेक्शन सेंटर पर पहुँचा दें ताकि उनका सुरक्षित निस्तारण हो सके। निशा ने और लॉयंस ने मिलकर ई वेस्ट को मैनेज करने का बीड़ा उठाया है। ये 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा और इसके अंदर जो ई वेस्ट है, जो मैं कहूँगा प्लास्टिक से भी ज़्यादा खतरनाक है और इसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत हजारियस हैं और इसमें मौतें तक हो रही हैं क्योंकि कबाड़ी लोग बच्चों को ई वेस्ट में से जो सिल्वर या जो खास चीज़ें निकालने के चक्कर में उनको जब वो उस ई वेस्ट के ऊपर बैठते हैं तो उसमें उनको मौतें तक उनके हो रही हैं। मेरे आपके चैनल के द्वारा सबसे ये उम्मीद है कि आप लोग इस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे आएं और सब लोगों से ई वेस्ट जो है वो इसको हमारे स्कूल में जमा कराएँ। जानकी मंदिर परिसर में 5 दिवसीय गायत्री महायुग का शुभारंभ किया गया है जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद सभी ने जगन्नाथ मंदिर स्थित कुआं से जल भरकर मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना की। बता दें कि गायत्री परिवार के सदस्य सदाशिव उपाध्याय ने बताया कि प्रतिदिन शाम 6 से 9 बजे तक संगीत और प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन होगा जबकि सुबह आरती के साथ हवन भी किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत कलश यात्रा के साथ मोतीपुर पुलिस मुस्तैद दिखी। खबर देवरिया से है जहां राजस्थानी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि प्राप्त प्रत्यावेदनों के आधार पर तथ्यों का नियम सम्यक परीक्षण कर संस्तुति की जाएगी। वहीं उन्होंने नगर निकायों में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दिए जा रहे आरक्षण पर संक्षिप्त प्रकाश भी डाला और आयोग गठन की पृष्ठभूमि व उद्देश्य से अवगत कराया। 27 दिसंबर को जजमेंट हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसमें ये हुआ कि जो बैकवर्ड की सीटें हैं उन्हें जनरल ट्रीट करके और इलेक्शन करा दिए जाए, उसके खिलाफ केंद्र राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया ये ऑर्डर और एक ये इसका आयोग का गठन हुआ जिसमें एक सर्टेन डायरेक्शन देते हुए आदेश हुआ कि आप इस आधार पर बैकवर्ड का पोजीशन देखें। बैकवर्ड की सीटें कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना रिजर्वेशन है उनका, सब वो देखा देखने के लिए आदेश हुआ है, वही हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा ख्याल है इस मामले में कोई समस्या नहीं है, काफ़ी डिटेल में सभी जगह विचार विमर्श हुआ है। कुछ लोगों का आप पक्ष सुने होंगे? हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल की हैं, हम लोगों की नहीं है ज़्यादा, उस कुछ है ये कि बैकवर्ड की सर्वे को लेकर कुछ अनुमति है, विषमता है, वो डीएम साहब से बता दिया है, वो देखेंगे उसको और उसका दोबारा सर्वे कराएँ अगर कुछ गलत है। आपके एंड से क्या निर्णय लिया जाएगा? पहले यहाँ से डिसाइड होगा उसके बाद देखेंगे। 27 दिसंबर को जजमेंट हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का, देखिए अपराध। वही खबर इटावा से है जो फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने 4 अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि चोरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनपद इटावा की पुलिस हमेशा तत्पर रही है।
और इसी क्रम में जो है आज मेरे निर्देशों के क्रम में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बहुत हो रही थी, लूट की घटनाएं भी कुछ संज्ञान में आई थी, जिसके मद्देनज़र मैंने सोमवार का दिन होता है, बैंक वगैरह भी काफ़ी इसमें प्रभावित रहते हैं, फाइनेंशियल कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें मेरे द्वारा निर्देशित हुआ था एसपी सिटी, सीओ सिटी और हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम तथा एसएचओ सभी जो जनपद के हैं। इसी क्रम में आईटीआई चौराहे पर आज सुबह करीब 12 बजे के आसपास चेकिंग चल रही थी, उसमें 2 मोटरसाइकिल से 4 बदमाश पकड़े गए, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके पास कोई कागज़ नहीं था मोटरसाइकिलों का, पूछताछ कड़ाई से की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी काफ़ी की है, जिसमें से 3 मैनपुरी के लड़के हैं और एक अपने जनपद इटावा सैफई का रहने वाला है, और इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो पूछताछ की गई तो उन्होंने इनकी निशादेही पर टोटल 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता है, और जिसमें से 3 गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं, एक गाड़ी दिल्ली की है, एक गाड़ी हरियाणा गुड़गांव की है, एक मैनपुरी की निकली है, अभी और इसमें विवेचना का विषय वस्तु है, इसको हम और इसको वेरीफाई कर रहे हैं, जल्दी ही सारी गाड़ियाँ हमारी कनेक्ट हो जाएंगी और इसमें हम निश्चित तौर से पूरी टीम को 20,000 रुपए उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं। देखिए मैं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।